हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विघ्नहर्ता ट्यूटोरियल चैनल। लास्ट वीडियो में हमने हिस्टोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन में मॉडर्न पीरियड को समझेंगे। हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड। इन द 20th सेंचुरी द इंडियन आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एंड द रिसर्च was started under the British rule. Means archaeological department जो study करते हैं old documents, seals, inscription और उनकी care करते हैं। So ये सब कुछ जो था exploration, research करना उन documents को, उन seals को, inscriptions को जो पुराने थे, वो सब British rule के under start हुआ था। Number of ancient sites were excavated under the supervision. Excavated means research करना किसी चीज़ को, तो उसे कहते हैं excavated. Was under the supervision of Sir Alexander Cunningham. He was the first Director General of the Archaeological Survey of India. Archaeological Survey of India means जो हमारे प्रिजर्व करते हैं historical monuments को, historical monuments जैसे कि ताजमहल, बहुत सारे forts को जो प्रिजर्व करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये सब काम करते हैं, प्रिजर्व और टेक केयर करते हैं हमारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की। सो सर अलेक्जेंडर क्यूनिंगहैम चोज मेनली द साइट्स मेंशन इन द बुद्धिस्ट टेस्ट फॉर दिस पर्पस। मीन्स बुद्धिस्ट पीरियड के जो साइट्स थे उनको उन्होंने स्टडी किया। हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड अंडर द टेन्योर ऑफ सर जॉन मार्शल। मीन्स उनके पीरियड में हरप्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर हुआ था। बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी द एंटीक्विटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री कुड बी ट्रेस्ड टू थर्ड मिलेनियम बीसीई, दैट इज बिफोर कॉमन एरा और इवन अर्लियर। मीन्स हरप्पन सिविलाइजेशन जब डिस्कवर होता उससे हमें ये पता चल जाता है कि इंडियन हिस्ट्री जो है वो कितनी पुरानी है। मीन्स इससे हमें ये पता चलता है कि वो थर्ड मिलेनियम बीसीई उससे भी पहले अकर की थी हमारी इंडियन हिस्ट्री। मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया रोट अबाउट द इंडियन हिस्ट्री। मीन्स बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे तब के टाइम पे इंडिया में जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा है। देयर राइटिंग्स डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। मीन्स जो कॉलोनियल पॉलिसीज हुआ करती थी ब्रिटिश की, ब्रिटिश ऑफिसर जो राइटिंग लिखा करते थे उससे हमें अच्छी तरह से पता चल जाता था, क्योंकि उनकी जो राइटिंग थी ये इन्फ्लुएंस थी कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश से। 3 volumes ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिटन बाय जेम्स मिल वे पब्लिश इन 1817 एंड दिस वॉज द फर्स्ट बुक ऑन द इंडियन हिस्ट्री दैट वॉज रिटन बाय अ ब्रिटिश हिस्टोरियन। सो नाउ इन दिस बुक इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स एन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। प्रिजुडिस मीन्स एक अनफेवरेबल ओपिनियन फ्रॉम करते हैं हम बिफोर हैंड, किसी नॉलेज और रीजन के अलावा हम एक अनफेवरेबल ओपिनियन फॉर्म करते हैं। अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन कल्चर, मीन्स इंडियन कल्चर के बारे में उन्होंने एक अलग सा अपना बिना थॉट और बिना रीजन के एक ओपिनियन बनाया था, तो ये बुक में ये सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाता था। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय मॉन्स स्टुअर्ट एल्फिस्टन that was governor of Bombay that time and now it is called as Mumbai was published in 1841. The period of Maratha Empire is very important in the Indian history. Miss Maratha Empire ki jo period hai wo bahut important tha hamari Indian history mein. Grand Duff's name stands out among the British officer who wrote about the Maratha history. He wrote the book entitled The History of Marathas. This book is published in 3 volumes. So now Grand Duff's writing also shows that the British inclination of condemning means to pronounce guilty Indian cultural and history. Similar tendency is witnessed in the Colonel Todd's writing about the Rajasthan's history, means Rajputan's history. The 2 volumes written by the William Wilson Hunter on the Indian history show a somewhat impartial treatment of the subject. Impartial means partiality nahi karna. So Nilkant Janadhar Kirtane and the Vishwanath Kashinath Rajwade
were the two Indian historians who took upon the task of exposing the limitation of Grand Duff's writing. मीन्स ग्रैंड डफ ने जो हिस्ट्री लिखी थी वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री लिखी थी. सो नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े ने, उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी थी वो इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी थी. सो वो जो लिमिटेशन थी ग्रैंड डफ की राइटिंग की, उसको एक्सपोज कर दिया था उन्होंने. सो अभी हमने हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड खत्म कर दिया है. तो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप हमें जीमेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं. जीमेल आईडी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है. आप अपनी डाउट्स जीमेल आईडी पे हमें पूछ सकते हैं. तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए. सब्सक्राइब से स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोस. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.